हो गया है आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसका संघर्ष जोरों शोरों से है जारी। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन। जो मेरा सपना था, जो मैंने चैनल खड़ा किया था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, मुझे इसमें आपको मोटिवेशन के साथ साथ में आपको जो है गाइड भी करना है, बताना है कैसे मैंने तैयारी की थी और कैसे आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के बाद में आपको इस वर्दी तक लेके जाना है। जो वर्दी मेरे बदन पे है, ये वर्दी आपके बदन पे होगी अगर आप बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको एक एक स्टेप बाय सब चीज़ की वीडियो में देता जाऊंगा, बस आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। आपके पास समय नहीं है, समय आपको जो है लिमिटेड समय है, इस लिमिटेड समय का उपयोग कीजिए और अपना सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपकी पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट हैं और ये पोस्ट अपने माने रखती हैं आप अपने आप में, ठीक है। 52,699 से बढ़कर 60,244 भर्ती नागरिक पुलिस का उन्होंने जिक्र किया है और टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 70,000 के आसपास वो वैकेंसी की बात कर रहे हैं। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ, आप लोग प्रूफ मांगते थे ना जब मैं वीडियो बनाता था। एक बार 10,000 लोग लाइव आए थे, मुझे याद है उस दिन रात में मैं बैठा था, शायद 11 बजे का समय था, पूरा एकदम जुड़ गए थे, सर इसकी कब जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब ये वैकेंसी आएगी। दोस्तों उस टाइम मेरे पास में प्रूफ नहीं था, पर आज मेरे पास प्रूफ है। इसी सप्ताह में आपकी वैकेंसी आ रही है और आपको इस बार हर हालत में जीतना है। तो एक बार आपको दिखाता हूँ प्रूफ, फिर बढ़ता हूँ आगे। ये देख लीजिए दोस्तों प्रूफ। अगर आप लोग कहते थे कि सर कब तक वैकेंसी की जो है प्रूफ आएगा, प्रूफ आपके सामने इसी सप्ताह, देख रहे हैं, इसी हफ्ते शुरू होगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती, समझ गए। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती, करना होगा ऑनलाइन आवेदन, देख रहे हैं। यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी। बीते 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदाय संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से बड़ी जुड़ी कार्रवाई की भी पूरी कर ली है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा की तिथियाँ घोषित होंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप नहीं हो रहा है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। प्रूफ देख लिया ना आप लोगों ने, प्रूफ देखने के बाद में आपके तन बदन के अंदर आग लग जानी चाहिए, जोश भर जाना चाहिए। आपको सामने सिर्फ वर्दी का टारगेट होना चाहिए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की, जेल वार्डर, जो भी वैकेंसी है, जो आपका टारगेट है उसको एम आपका फिक्स होना चाहिए। अब आपके साथ में रुकने की थकने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बढ़ते जाना है और इस मंजिल तक पहुंचना है। उस दिन मैं बताने में असमर्थ था कि आपका फॉर्म किस दिन से ऑनलाइन होगा, पर आज मैं बताऊंगा आपका फॉर्म इस दिन से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देखिए अप्लाई डेट की मैं बात कर लेता हूं शुरू में ही, आपका अप्लाई दिसंबर की आज तारीख हो गई है 20, और आपका जो है दिसंबर के 25 से लेकर और 30 तक यहाँ पर जो है अप्लाई शुरू होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो जनवरी आपकी होना ही होना है, फर्स्ट वीक में ही। आप कुछ देख रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो चुका है। और देखिए ऑनलाइन के बाद में आपको समय ज़्यादा नहीं मिल रहा, लास्ट डेट का इंतजार कोई नहीं करेगा, साइड हैंग हो जाएगी, फॉर्म नहीं भर पाओगे। बोर्ड खुद इस चीज़ को बोल रहा है कि टोटल फॉर्म भरे जाने की जो आशा है, अभी तक इतना फॉर्म भी कभी नहीं भरा गया, 25 से लेकर 28 लाख तक फॉर्म भरने की उम्मीद है इस बार। तो आपको जो है ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है। और अदर स्टेट वाले बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे, जी हाँ बिल्कुल, आप अगर किसी भी अदर स्टेट से भी हैं, ऑल इंडिया लेवल पर आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी राज्य के हैं। आपकी हाइट चेस्ट में बताने वाला हूं सारा स्टैंडर्ड, एक बार वीडियो में बने रहिए, ठीक है। एज की बात करूं तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक बस यही सबसे बड़ी खामी है कि यहां पर जो है एज 18 से 22 ली जाती है और बहनों की 18 से 25 ली जाती है। आप किसी भी स्टेट के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, EWS हैं, तो आपको इतनी ही एज होती है। यहां पर बात करते हैं छूट की, तो छूट का अभी तक कोई ऐसा जिक्र जो है सामने नहीं आ रहा है। और यहां पर देखिए SC हैं, OBC सबको 5 साल की छूट यहां पर
मिलती है और महिलाओं को भी सेम यही छूट मिलती है, तो उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो 28 हो जाती है, वो 27, 22 पाँच 27, और ये हो जाती है 30 साल रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, एज में छूट से संबंधित अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है और उम्मीद है कि शायद एज में छूट मिलने में थोड़ी दिक्कत हो, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी है, हर हालत में आपको जो है एज में छूट भी लेनी है। एज कब से काउंट होगी, तो देखिए अभी तक का जो मेरा अनुभव है, मैं भी क्योंकि लगभग 2011 से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देख रहा हूँ, तो अभी तक इन्होंने जो काउंट की है एज, वो जुलाई के मंथ से करते हैं। कब से करते हैं? जुलाई से। और मैं पीछे लाइव जब आता था तो आप लोगों के बहुत भर भर के कमेंट आते, मेरी सर डेट ऑफ बर्थ ये है और क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं एज नहीं निकाल पाता हूँ, सर आप बताइए। अपनी डेट ऑफ कमेंट में ज़रूर करिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊँगा कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, फीस की मैं बात करूँ यहाँ पर सभी के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के, 400 रुपये यहाँ पर फीस दे है। सिलेबस की बात करूँ, देखिए मैंने कैसे रणनीति वो भी मैं बताऊँगा, और किस सब्जेक्ट को आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स होगा, जी मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन, आपको रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, हिंदी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है 37 क्वेश्चन, बाकी ये 58 नंबर जो है आपके मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स के आते हैं, इसमें भी आपको मेहनत करनी है। सैलरी की बात करूं कि सबसे मेन तो मुद्दा यही कि हमको सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो देखिए 21,700 यहाँ पर बेसिक होता है, सेम जब अपना जैसे एसएससी जीडी का है सेम वही है, और बाकी जो है आपका बेसिक होने के बाद अदर अलाउंस मिलते हैं, अप्रोक्स 30,000 के आसपास आपको सैलरी फर्स्ट मिलेगी, जो मुझे भी मिली थी। ठीक है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके ज़्यादा चांस है ऑफलाइन के, एग्ज़ाम के कैसे चांस है ऑफलाइन के। और देखिए उन्होंने पहले ही एक नोटिस दे दिया है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि नॉर्मलाइजेशन होगा, किस फार्मूले से होगा, फार्मूला भी दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा वही हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट के आधार पर। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ मेल और फीमेल की, मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल की 152 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करूँ तो 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल में ज़रूरत नहीं। और रनिंग की मैं बात करूँ तो 4800 मीटर, देखिए फौज वाली, फौज में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट मिलते हैं, यहां पर 4800 मीटर की रनिंग के लिए 25 मिनट मिल रहे हैं, 200 मीटर रनिंग कम है, 1 मिनट ज्यादा मिल रहा, मेहनत कर लो। वरना मैंने खुद देखा था बरेली में, बरेली मेरी रेस हुई थी, मैं खुद देखा एक लड़का गोल गोल घूम रहा था फिर भी दोनों फट्टे पार नहीं कर पाया, वो पड़ी रहती है ना चटाई जैसी जिसमें वो चिप लगी रहती है, नहीं कर पाया था पार, समझ गए। तो आपको मेहनत के साथ में तैयारी करनी है, ये नहीं दोनों चीज़ों पर फोकस होना चाहिए, रिटर्न के साथ साथ आपको फिजिकल पर भी ध्यान देना है, फिजिकल का भी ज़्यादा समय नहीं मिला, खासकर बहनों को मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है फिजिकल में। ठीक है, 2400 मीटर के लिए बहनों के लिए 14 मिनट मिलते हैं, जो क्या कम है, फौज में जो है 8.5 मिनट मिलते हैं 1600 मीटर के लिए, यहाँ पर 14 मिनट, ये अपने 14 मिनट मिल रहे हैं 2400 मीटर के लिए, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इनके लिए कठिन है, क्योंकि मेल से अगर हम बात करें तो रेस तो आधी की है और समय देख रहे हैं उनका 13.5 मतलब 12.5 मिनट से खाली 1.5 मिनट ही ज़्यादा दिया है, तो रनिंग में फीमेल बहुत ज़्यादा फेल होती हैं। तो ठीक है बहनों, आपको मेहनत करनी है, हर हालत में इस बार रेस में पास होना है, रिटर्न की आपकी मेरिट थोड़ी डाउन रहेगी पर आपको जो है मेहनत करनी है। कितना रहेगा सेफ स्कोर, बच्चे पूछते सेफ स्कोर, सेफ स्कोर 215, ये आपका सेफ स्कोर होगा, 215 प्लस जनरल, 200 प्लस जनरल वाले 215 प्लस रखेंगे जनरल वाले, तभी सिलेक्शन होगा, वरना लास्ट में यही पूछोगे सर मेरिट बड़ी हाई चली गई, पढ़ लो समझ लो क्योंकि अभी आपके पास मौका है, बाकी मेरा काम समझाने का है और आपका काम समझ के काम को करने का है, मुझे इस बार हर हालत में आपके बदन पे ये वर्दी देनी है और वर्दी हर हालत में मैं दूंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में और चैनल को, अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना पुराना अपना उत्तर प्रदेश पुलिस का कैंडिडेट है सब जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर मैं पढ़ाई की भी मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी सब की क्लासें दूंगा, बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी हैं सबके अंदर जोश जुनून और आग लगाने के लिए मैं आ गया हूँ, बस आप सबको जोड़िए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।